दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में गणित के कुछ प्रश्न हैं, उनको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है इन्हीं को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला हल कीजिए। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 9 प्रश्न दिया है, इनको हल करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको हल डाल लेना है हेडिंग। ठीक है, पहला नंबर में क्या बोला है, -2 × 8। ठीक है, तो भाई -2 × 8 गुणा करना है तो 8 गुना क्या होगा, 16 होगा, लेकिन यहाँ पर एक माइनस है तो आप यहाँ माइनस लगा देंगे, ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एक माइनस है तो आप माइनस लगा देंगे, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 16 होगा। ठीक, पहला आंसर कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर क्या करा, ध्यान से देखिएगा, 27 भागे, ठीक है, 27 भागे -3 से भाग देना। ठीक, बराबर। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जैसे भाग का चिन्ह है तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, ये भाग का चिन्ह है तो इसे आप 27 बटा में क्या -3 लिख सकते हो, याद रखना। ठीक है, अब देखो 3 × 3 क्या होगा, 27, यानी कटा देंगे तो -9 आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, भाग है तो बटा में लिख सकते हैं, 3 × 3 = 27। ठीक, 9 आएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा को हल कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा क्या करा है, -7 और -2 बराबर, ठीक, कितना होगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे +2 + 5 7 होता है, कहने का मतलब 5 + 5 + 2, तो आप यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो 5 और 2 क्या होता है, ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ प्लस तो चिन्ह का लिखते हो, प्लस का ही लिखते हो ना, तो यहाँ भी माइनस था, अंक जुड़ जाएगा, याद रखना। जैसे इसको आपने जोड़ा प्लस प्लस तो जुड़ गया और चिन्ह प्लस का लिखा, यहाँ माइनस तो 7 और 2 जोड़ दीजिएगा, 9 होगा। जैसे है प्लस को यहाँ पर प्लस प्लस था तो यहाँ प्लस लिखा, लेकिन यहाँ माइनस तो आपको माइनस ही लिखना है, यहाँ पर कोई दूसरा नहीं लिखना, माइनस चिन्ह ही लगाना। ये भी क्या हुआ, कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं कौन सा, चौथे पर। ठीक है, तो पहले ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। ठीक, चलिए तो इसके बाद यहां पर नंबर लगाते हैं कौन सा, चौथा, यहां तो बता दिया चौथा, देखिएगा ध्यान से। ठीक, क्या करा, ध्यान से देखिएगा, -48 भागे, ठीक है, 6 दिया है, तो ये जो भाग का चिन्ह है दोस्तों, भाग के चिन्ह को हम बटा में लिख लेंगे। ठीक है, तो आप भी बटा में लिखिएगा, -48, अब भाग का चिन्ह बटा में 6 होगा, 6 × 36 = 18, मतलब क्या आएगा, -3 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, -3, एक माइनस है तो माइनस आप उतार लीजिएगा जैसे का तैसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आते हैं पांचवा पे, तो पांचवा क्या करा, ध्यान दीजिएगा, -5 + 8। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, माइनस प्लस है तो हमेशा घटेगा, क्या होगा, हमेशा घटेगा, लेकिन आप हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएं, भाई यहाँ पर छोटा पहले बाद में बड़ा दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़ा में से छोटा घटाइए, तो आप 5 में से 8 नहीं घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा कि ना, घटा लीजिए इस तरह से, तो यहाँ 3 बचेगा, लेकिन कौन सा चिन्ह यहाँ होगा, यहाँ पर माइनस या प्लस था, यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, याद रखिएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस 2 चिन्ह है, तो जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह रखेंगे, तो यहाँ प्लस चिन्ह की संख्या बड़ी है ना, 8 है बड़ी है, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। ठीक, ये करेक्ट आंसर हुआ, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब आते हैं 6 नंबर में। ठीक, तो 6 नंबर में देखते हैं, तो यहाँ पर जगह है भाई, यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर, ठीक, क्या दिया है, -4 × -3। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, आपको ध्यान देना है, कुछ सूत्र मैं यहाँ बताने वाला हूँ, उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो सूत्र यहाँ पर देखिए, डिब्बे में देखिए ध्यान से, सूत्र नंबर पहला है, यदि प्लस में गुणा करेंगे प्लस का, ये सूत्र नंबर पहला है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, सूत्र नंबर पहला दोस्तों, प्लस में गुणा करेंगे प्लस का तो प्लस ही आता है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा का सूत्र हो जाएगा, -√
जब गुणा करेंगे माइनस माइनस का तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, तीसरा सूत्र क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस में गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा। याद रखिएगा, यदि आप प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो वह क्या होगा, माइनस आएगा। ठीक, चौथा फार्मूला क्या है, माइनस में गुणा करेंगे आप प्लस से तो भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। चार फार्मूले आपके याद रखना है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को हल करना है, माइनस चार गुणते माइनस तीन है तो कौन सा फार्मूला मैच हो रहा है, फार्मूला नंबर दूसरा मैच हो रहा है, यानी माइनस में माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाता है, प्लस। तो आई माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और चार में तीन का पहाड़ा पड़ेंगे तो बारह, ये करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये छठा हो गया, सातवां आते हैं। सातवां क्या करा, ध्यान दीजिएगा, आठ और यहाँ पर माइनस, माइनस का चार दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, ये कोष्टक कब हटेगा, जब ये माइनस के अंदर गुणा करेंगे, तब माइनस माइनस गुणा करेंगे तो अभी मैंने आपको सूत्र क्या बताया कि माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आठ प्लस चार, आठ चार जोड़ दीजिए बारह, या आंसर क्या आ जाएगा, बारह, करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको आगे प्रश्न नंबर नौ, अरे आठ और नौ बता देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, तो यहां पर आप हेडिंग लगाएंगे प्रश्न नंबर कौन सा, यहां पर हेडिंग आप लगाएंगे प्रश्न नंबर आठ। ठीक है, क्या दिया, ध्यान दीजिएगा, सात गुणते माइनस का नौ, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, एक माइनस है, सिर्फ एक माइनस है तो माइनस उतार लीजिए, नौ का पारा सात बार नौ सात तिरसठ, ये क्या हुआ, कंप्लीट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक माइनस है तो एक माइनस उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और नौ का पारा सात बार तो तिरसठ आएगा। अब आते हैं नौ नंबर, ठीक है, तो नौ नंबर में क्या करा, ध्यान दीजिएगा, माइनस का बारह अभागे माइनस का छः, कोई दिक्कत नहीं, हमें माइनस बारह में भाग देना माइनस छः से, तो जो भाग का चिन्ह वह बटा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटा में, मान मतलब ऐसे लिखेंगे, माइनस बारह भाग का चिन्ह बटा में हो जाएगा माइनस का छः, ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बारह बटा क्या होगा, छः, माइनस माइनस कैंसिल तो बचा बारह बटा के छः, फिर छः कम छः गुना बारह, यानी क्या आएगा आंसर, टू आएगा, आंसर क्या आएगा, टू। ठीक, तो ये भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा, यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।